नमस्ते, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम BA पार्ट थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक एंग्लो मराठा रिलेशन में नाना फडणवीस के बारे में पढ़ेंगे। नाना फडणवीस, जिसका मराठा संघ या मराठा दरबार या मराठा साम्राज्य में एक वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में पद के रूप में प्रतिस्थापित था। उसने अपनी राजनीतिज्ञता तथा कूटनीतिज्ञता से मराठा संघ को संरक्षण प्रदान किया और पेशवा को पदासीन करने में सफलता प्राप्त की। मराठा संघ का नेतृत्व कर प्रशासनिक, राजनीतिक तथा वित्तीय कौशलता के साथ उसने मराठा साम्राज्य को संरक्षण दिया। 1773 में नारायण राव की हत्या के बाद राज्य का प्रबंध अपने हाथों में लिया और 12 भाई परिषद के अंतर्गत गंगाबाई के पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा नियुक्त किया। उसे अंग्रेजों से दूर रखा और इसी प्रकार मराठा संघ को संरक्षण प्रदान करने के कारण मराठा शक्ति का धीरे धीरे विस्तार होने लगा। वह एक कुशल सैन्य संचालक नहीं था, राजनीतिज्ञ अवश्य था। यही कारण है कि उसने दरबार में षड्यंत्रों का दरबार बना दिया। नाना फडणवीस कभी भी अंग्रेजों की राजनीति को नहीं समझ पाया और वह निरंतर उनसे पत्र व्यवहार करता रहा और उनको मित्र बनाने का असफल प्रयास किया। उसने महादजी सिंधिया ही नहीं अपितु प्रत्येक मराठा सरदार के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया, जिससे मराठों में आंतरिक कलह और ईर्ष्या का वातावरण बन गया। 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठा संघ या मराठा साम्राज्य पराभव और शिथिल होता गया। उसकी मराठा दरबार में उसकी मुख्य भूमिका फिर भी महत्वपूर्ण रही और वह महादजी सिंधिया के समकक्ष रहा। प्रारंभ में उसने पेशवा पद को संरक्षण प्रदान किया और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत नाना फडणवीस ने रघुनाथ राव को पराजित करने के कारण वह सूरत चला गया और वहां जाकर उसने अंग्रेजों से सूरत की संधि की। 1775 में मराठा और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिड़ा। नाना फडणवीस ने सिंधिया तथा होलकर को अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए भेजा। 1779 में होलकर तथा सिंधिया ने तेलगांव नामक स्थान पर रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों की सेना को पराजित किया और बड़गांव की संधि के लिए मजबूर किया। इसी प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध एक संघ का निर्माण किया। हैदराबाद का निजाम, मैसूर का शासक हैदर अली तथा नागपुर के भोसले उसमें सम्मिलित थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने निजाम तथा भोसले को इस गुट से अलग कर दिया, परंतु नाना फडणवीस ने पुनः इस स्थिति को संभाला और जनरल गोडार्ड को अप्रैल 1781 में पूना के निकट पराजित किया। नाना फडणवीस टीपू सुल्तान की शक्ति, बढ़ती हुई शक्ति से चिंतित थे, इसलिए उन्होंने मैसूर का साथ नहीं दिया। नाना फडणवीस टीपू सुल्तान के विरुद्ध संघर्ष में व्यस्त था, तो निजाम ने चौथ तथा सरदेशमुखी करों को चुकाना बंद कर दिया। नाना फडणवीस ने निजाम के विरुद्ध एक शक्तिशाली सेना भेजी और 1795 में उसने निजाम को परास्त भी किया। मराठा संघ के अंतर्गत उसने अपने मित्रों को उस दरबार में उच्च स्थान प्रदान करने के कारण धीरे धीरे नाना फडणवीस का प्रभाव कम होने लगा। पेशवा के उत्तराधिकारी की समस्या को हल करने में नाना फडणवीस ने राजनीतिज्ञता पूर्वक कार्य किया। सालबाई की संधि से पहले नाना फडणवीस अंग्रेजों का विरोधी था, परंतु धीरे धीरे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने लगा।
सिंधिया महादजी सिंधिया की मृत्यु के बाद नाना फडणवीस मराठा संघ के हितों की उपेक्षा करते हुए अंग्रेजों के साथ सहयोग स्थापित करने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाना फडणवीस प्रारंभ में राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ अवश्य रहा, परंतु महादजी सिंधिया के बाद अंग्रेजों की सहायता देने के कारण उसका दरबार में प्रभाव कम होने लगा था। उसकी मृत्यु के बाद मराठा संघ या मराठा संघ के पेशवा बाजीराव द्वितीय द्वारा अंग्रेजों का साथ देने के कारण मराठा संघ शिथिलता या पराभव की ओर बढ़ने लगा और धीरे धीरे महाराष्ट्र में नहीं वरन उत्तरी भारत में भी अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने लगी। दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम, मैसूर के टीपू सुल्तान आदि भी अंग्रेजों के समक्ष शिथिल होने के कारण दक्षिण भारत पर अंग्रेजों का की सर्वोच्चता या एकाधिकार स्थापित हो सका। धन्यवाद।